Hello my dear students i hope you all are fine and welcome back to online classes again so i hope you have completed your all the work whatever i have given you as a holiday homework surely i will check it when the school will get open then you will be called and i will check your holiday homework otherwise i will check in the live class okay so today we will see the explanation of chapter number 5 that is evolution of communication

वो जो है डेवलप हुए या कैसे उनमें क्रांति आई वी विल सी इन दिस चैप्टर कॉम्युनिकेशन रिफर्स वी विल सी फ्रॉम हियर कॉम्युनिकेशन रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स यानी कॉम्युनिकेशन आपस में बातचीत का जो या अपने आचार विचार अपने विचारों को एक दूसरे से एक्सचेंज करने को ही हम कॉम्युनिकेशन कहते हैं थ्रू कॉम्युनिकेशन पीपल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स यानी बातचीत के द्वारा लोग अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं देर आर वेरियस वेज़ टू कॉम्यिकेट विद ईच अदर एक दूसरे से बातचीत करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे कि हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं इंटरनेट पर बात कर सकते हैं फैक्स कर सकते हैं लिख कर अपनी बात कर सकते हैं न्यूज़पेपर से हम पढ़ सकते हैं या मैगजीन्स में या टीवी देखकर हम जो है कोई भी इंफॉर्मेशन का टेलीकास्ट कर सकते हैं पीपल कॉम्युनिकेटेड कॉम्यनिकेट बाय राइटिंग लेटर्स सेंडिंग टेलीग्राम्स

व्यक्ति के लिए अलग से बाधित नहीं है हम किसी भी तरीके से एक ही इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जैसे हम न्यूज़पेपर में कोई इश्तिहार दे सकते हैं या कोई भी ऐसी न्यूज़ का टेलीकास्ट कर सकते हैं जिसे हम सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं है ना खास एक व्यक्ति के लिए ही नहीं होता है केबल कम्युनिकेशन ओके वी कैन कम्युनिकेट विद पीपल लिविंग इन आर कंट्री एंड विद हु लिव्ड इन एब्रॉड यानी हम उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अपने अपनी बात जो हमारे स्वयं के देश में रहते हैं और एब्रॉड यानी जो विदेश में दूर विदेश में रहते हैं दिस इज पॉसिबल ओनली वैन अ गुड कॉम्युनिकेशन सिस्टम इज़ अवेलेबल टू अस ये केवल तभी जो है पॉसिबल है यदि हम एक अच्छा कॉम्युनिकेशन यानी एक अच्छा दूर संचार का जो सिस्टम uh, है वो हो यदि हमारे पास तभी हम सारी चीज़ों को जान सकते हैं ओके ना वेलकम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ नीड फॉर राइटिंग देखिए बच्चों राइटिंग की नीड हमेशा से ही रही है पुराने समय में पुराने हजारों साल पहले भी लोग अपनी लिपि में लिख कर गुफाओं में अपनी बात को या चिन्हों के द्वारा अपनी बात को कहते थे इसलिए राइटिंग इज़ मस्ट फॉर एजुकेशन एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द अदर्स फीलिंग्स और व्यूज़ ओके राइटिंग इज़ पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इट इज़ अ टूल डेवलप्ड बाई ह्यूमन सोसाइटी ये एक तरीके के औज़ार या हथियार के रूप में काम आता है जिसे कि मानव सभ्यता के द्वारा बनाया गया है देखिए मैंने आपको लाइव में भी समझाया था कि यदि कोर्ट में कोई जज होता है सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उसमें भी कोई जज होता है तो वो अपने पेन के द्वारा ही अपनी कलम के द्वारा ही सारे फैसले लेता है कि, कि किसको क्या सजा देनी है आरावास आज आजीवन कार देना है यानी लाइफ टाइम अप्रीजमेंट अप्रीजमेंट दे, देना है या फिर उसको जो है हैंग करना है या उसको रिलीव करना है ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो जजिस जो है डिसाइड करते हैं और इसीलिए कलम के द्वारा हम अपने लेख भी लिख सकते हैं अपने जो आर्टिकल्स हैं वो न्यूज़पेपर में मैगजींस में सब जगह हम देते हैं हम नहीं देते हैं जो राइटर्स होते हैं वो देते हैं और हम पढ़ाई लिखाई करते हैं और उसके द्वारा द्वारा यदि हम मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें भी हमारी लिखावट या हमारी लिखने की क्षमता बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग केम इन टू एक्जिस्टेंस ड्यू टू द प्रैक्टिकल डिमांड्स एग्जाम्पल मेंटेनिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन कोडिफाइंग लॉस एंड रिकॉर्डिंग हिस्ट्री यानी रिकॉर्ड्स को रखने के लिए या मेन फाइनेंशियल यानी जो हमारी आर्थिक रूप या वित्तीय रूप से जो भी पैसों ले के लेन देन को लेके जो भी मेनटेनेंस होती है उसके लिए कोडो कोड्स बनाने के लिए या हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स रखने के लिए राइटिंग की आवश्यकता मस्त मस्त मस्ट है ओके विल कम टू द नेक्स्ट पेज दिस इज द रिमेनिंग पैराग्राफ दस देर इज ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन प्रोग्रेस एंड राइटिंग इसीलिए प्रोग्रेस और राइटिंग में उन्नति और लिपि में लिखने में एक डायरेक्ट लिंक है यानी जैसे जैसे हम चीज़ों को लिपिब्द करेंगे या लिखेंगे या कोई भी जो है सही से उसका अकाउंट रखेंगे किसी भी चीज़ का तो हमारा डेवलपमेंट निश्चित है हमारा विकास होता चला जाएगा अब तो है लोग लिखने से ज़्यादा कंप्यूटर में जो है अपना डाटा सेव करके रखते हैं जिससे जो है सभी देशों की तरक्की बहुत ज़्यादा हो रही है वैन द कॉम्प्लिकेशन फॉर ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन आउट ग्रू ह्यूमन मेमोरी राइटिंग बिकेम ए मोर डिपेंडेबल मैथड टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी डेवलपमेंट इन परमानेंट फॉर्म यानी यदि भी किसी भी प्रकार की कॉम्पलेशन कॉम्प्लिकेशंस आती हैं यानी कोई भी परेशानी आती है ट्रेड यानी व्यापार को लेके या एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो अधिकारी अधिकारियाँ अधिकारी जो होते हैं जैसे आ, बहुत बड़ी ऊंची ऊंची पोस्ट के लोग होते हैं उसमें अगर मान इंसान की कोई भी मेमोरी में कोई भी दिक्कत आती है तो लिपिबद्ध रूप से लिखित रूप से परमानेंट फॉर्म में जो है सभी चीज़ें लिखित मैथड में हमारे पास रिकॉर्ड की तरह रहती हैं तो सरकार जो है उन चीज़ों को देखती है ओके आपने देखा होगा जब भी हम कोई चीज़ करने जाते हैं सरकारी तौर पे या कुछ भी एक वोटर आईडी बनाने जाती है तब भी हमसे हमारे डॉक्यूमेंट्स माने मांगे जाते हैं ना कि ये लाइए ये लाइए तो ये इसीलिए ही होता है क्योंकि सब चीज़ें लिखित रूप से उनको चाहिए होती हैं किसी भी चीज़ का जो है आ, कहेंगे विश्लेषण करने के लिए किसी चीज़ की को परखने के लिए ओके आफ्टर टू थाउजेंड यानी दो हज़ार के बाद बिफोर क्राइस्ट ओके फॉर राइटिंग सिस्टम ऑफ मैसोपोटामिया टू ईस्टर्न मेडिटेरियन नॉर्थन सीरिया साइरिया एंड टर्की यानि दो हजार बी सी के बाद राइटिंग सिस्टम जो है मैसोपोटामिया और ईस्टर्न मेडिटेरियन नॉर्थ साइरिया में और टर्की में बहुत ज़्यादा फैल गया स्प्रेड हो गया एज अ रिजल्ट टू दिस द किंगडम्स ऑफ दिस एंटायर रीजन बिगेन टू राइट टू वन एंड अदर इन द लैंग्वेज एंड मिस स्क्रिप्ट ऑफ मैसोपोटामिया इसका जो है परिणाम ये हुआ रिजल्ट ये हुआ कि उस पूरे राज्य में उस क्षेत्र में सभी लोग अपनी अपनी लिपि का यूज करने लगे मैसोपोटामिया की लिपि का यूज करने लगे एक दूसरे से बात करने के लिए ओके ना वेलकम टू द नेक्स्ट टॉपिक यूज ऑफ पीजन यूज ऑफ पीज़न्स यानी कबूतरों का यूज मैंने आपको बताया था कि पहले समय में सम्राट राजा महाराजा यहाँ तक कि अंग्रेज लोग भी अपने मैसेजेस एक दूसरे को भेजने के लिए कबूतरों को यूज करते थे <coughs> कबूतर जो है पहले एक पोस्टल जो है पीजन पोस्ट कहा जाता पोस्टल की तरह काम करते थे यानी अपने इनके पैर में जो है मैसेजेस लिख कर बांध दिए जाते थे और ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में सही दिशा में सही टारगेट पे अपने मैसेज को पहुंचाते थे, थे बिकॉज इनको ट्रेंड किया जाता था प्रायर टू मॉडर्न मेथड्स लेकिन आज का समय देखिए कितना मॉडर्न है आज भी इस तरीके का यूज किया जाता है हमारी आर्मी में या ड्रोन्स ड्रोन्स जो बनाए गए हैं वो भी इन्हीं के ऊपर बेसिकली बनाए गए हैं कि सभी चीज़ें जो है वो कैमरा कैश कर लेता है या कोई भी मैसेज जो होता है वो खुफिया तौर पर जहाँ उसको पहुँचानी होती है पहुँचा देता है प्रायर टू मॉडर्न मैथड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन वर टू कैरी पीजेंज दिस मैथड दिस मैथड वॉज टम्ड एज द पीजन पोस्ट ड्यू टू देयर नेचुरल होमिंग एबिलिटीज वर वेरी इफेक्टिव एज मैसेजर यानी होमिंग एबिलिटी होती है पीजेंस के अंदर घर में रहने की इनकी जो है एक अच्छी वो होती है घर में ही रहते हैं कई बार हमारे घर में ऐसे खाली कमरे कमरे पड़े रहते हैं तो कबूतर अपना वहाँ डेरा बना लेते हैं वहीं पर अपना घोंसला बना लेते हैं और वहीं पर अपने अंडे देते हैं बच्चों को जन्म देते हैं तो ऐसे कबूतर जो है हमने एक होमिंग एबिलिटी होती है घर में ही अपने आप आना शुरू कर देते हैं कबूतर इसी प्रकार अगर हम कहें और ये जो है मैसेंजर की तरह बहुत इफेक्टिव होते हैं ना वेलकम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ आफ्टर टू थाउजेंड ईयर है लगभग दो हज़ार साल बाद द रोमस एंड पीज यूज पीजन्स मैसेंजर टू हेल्प देयर मिलिट्री जूलियर सीजर और यूज पीजेंस एज मैसेंजर इन हिज कॉन्क्वेट ऑफ गोल यानी उसने भी अपने पूरे युद्ध के समय जो है जूलियर सीजर जो एक राजा था उसने भी जो है कबूतरों का यूज मैसेंजर की तरह किया था इन इंडिया द मुगल रूलर्स वल्सो यूज पीजेंस एज मैसेंजर्स ना वेलकम टू हीर

पिजन्स का यूज़ किया था अपने मैसेजेस पहुँचाने के लिए ऑन द ओकेजन ऑफ सेंट्री सेंटरी सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया पोस्टल सर्विस इन 1954 फिफ्टी फोर द उड़ीसा पुलिस पिजन डेमोस्ट्रेटेड देयर एबिलिटी यानी उड़ीसा पुलिस ने उन्नीस में अपनी जो है पिजन्स की डेमोस्ट्रेशन की थी पिजन्स का एक नाटकीय रूपांतरण प्रस्तुत किया था कि कैसे मैसेज जो है वो कबूतर पहुंचा सकते हैं इसके उद्घाटन के लिए उन्होंने मैसेज uh, जो है प्रेसिडेंट uh, को फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति के द्वारा जो मैसेज है वो प्रधानमंत्री को भेज के डेमोस्ट्रेशन किया गया उसका कि कैसे मतलब जो है uh, कबूतर अपना वर्क करते हैं ओके स्टूडेंट्स यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इसके बाद एक बार इसको नीचे वाला देखेंगे डू यू नो वॉट इज़ अ गुड कॉम्युनिकेशन सिस्टम क्या आप जानते हैं अच्छा कॉम्युनिकेशन सिस्टम क्या है इसका देखेंगे अ गुड कॉम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स इट यूनाइट्स पीपल एंड क्रिएट्स अवेयरनेस लोगों को जोड़ता है अच्छा कॉम्युनिकेशन होता है तो एंड क्रिएट्स अवेयरनेस और लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करता है नंबर टू हैज़ वेरियस मीन्स एंड मोड्स ऑफ कॉम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट ऑडियो वीडियो एसेट्रा नेक्स्ट हैज़ बोथ पर्सनल एंड पर्सनल मीन्स ऑफ कॉम्युनिकेशन इसके अंदर पर्सनल और इम पर्सनल दोनों ही तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं पर्सनल तो जैसे हमारा फ़ोन हो गया या हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो गया एंड इम होते हैं जैसे टी वी इंटरनेट न्यूज़पेपर मैगजीन क्योंकि इसको सभी पढ़ सकते हैं डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इमपर्सनल नेक्स्ट सेंड्स एंड रिसीव मैसेजेस एंड मेक्स द यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट फील्ड्स यानी हम मैसेज सेंड कर सकते हैं रिसीव कर सकते हैं और इस इंफॉर्मेशन को हम किसी भी क्षेत्र में यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट लिंक्स द पीपल ग्लोबली यानी जो कॉम्युनिकेशन uh, होता है वो लोगों को ग्लोबली यानी पूरे तरीके से पूरे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ता है नेक्स्ट कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज इंटू टू ग्रुप्स यानी कम्युनिकेशन को हम टू ग्रुप में कैटेराइज कर सकते हैं टू ग्रुप में बांट सकते हैं नंबर वन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड द मास कम्युनिकेशन ओके स्टूडेंट्स Here, I have explained to you half of the chapter, I think one third of the chapter. Then, the remaining part I will send you in the next video, okay, friends. Till then, you read it once or twice and you will be familiar with the words and the pronunciation, okay, okay, friends. Thank you.